हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने घरों में सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके साथ कश्मीरी पुलाव की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही इजी है, झटपट बन जाता है। और मैं आज आपको ये रेसिपी कुकर में बनाना सिखाने वाली हूँ, तो ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाने से स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं हमें इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो हमें सबसे पहले एक बासमती राइस चाहिए, लॉन्ग ग्रेन राइस चाहिए, कोई सा भी बासमती आप राइस ले सकते हैं। उसे मैंने धो के भिगो के रख दिया है। कुछ ड्राई होल स्पाइसेस चाहिए, जीरा ले लिया है मैंने 1 चम्मच, एक बेलीफ लिया है, 2-4 काली मिर्च है, लौंग है, 2 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 स्टार नीज है और 2 यहाँ पे छोटी इलायची लिया है मैंने। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, मैंने थोड़े से काजू, थोड़ा किशमिश और थोड़े से बादाम ले लिए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें राइस चाहिए ही, और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के अनियन को डीप फ्राई करके पहले ही रख लिया है। और ये राइस, ये 30 मिनट से सोक था वाटर में, मैंने इसे अच्छे से पहले अच्छे वाटर से इसे धो दिया 3-4 पानी से, उसके बाद इसे मैंने सोक करके रख दिया था, 30 मिनट सोक गया है। अब मैंने कुकर लिया है, कुकर में 1 चम्मच घी डाला है मैंने। आप इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये पुलाव घी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं, उसे थोड़ा सा इसमें हम फ्राई कर लेंगे, इसका जब तक कलर गोल्डन सा ना हो जाए तब तक हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी हो जाता है ड्राई फ्रूट्स, काजू तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, तो फटाफट फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे काजू का कलर जो है स्लाइटली चेंज हो गया है, ये थोड़ा सा गोल्डन हो गया। हम इस वक्त पे इसे निकाल लेंगे, इसे जलाना नहीं है, ध्यान रखेंगे हम ये, बहुत जल्दी काजू जो है फ्राई हो जाते हैं। अब उसी तेल में, मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया, उसी में हम बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। बादाम का भी कलर थोड़ा चेंज हो जाए इतना फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा बादाम ही कलर करना है हमें, इसका कलर, इसका भी हमें ज्यादा नहीं पकाना है, ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो बस इसका कलर चेंज होते हैं हम इसे भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए बादाम भी हमारे हो गए फ्राई, हम इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मैंने किशमिश भी उसी घी में डाल दिया, और किशमिश तो फटाफट हो जाता है, तो किशमिश को भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे और हम उसे निकाल लेंगे। इन सारे जो भी हमने मसाला ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा है, उसे हम साइड में रख लेंगे। बहुत जल्दी ये बन जाने वाली रेसिपी है, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप फटाफट डिफरेंट सी एक रेसिपी बना करके उन्हें खिला सकते हैं और आप तारीफ भी पाएंगे। तो ये हमारे सारे ड्राई, जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, फ्राई हो गए। उसी पैन में मैंने, उसी कुकर में मैंने थोड़ा सा और घी ऐड कर दिया है, और उसमें जो जीरा था, हमने सबसे पहले जीरा डालेंगे और बेलीफ, उसके बाद जितने भी होल स्पाइसेस हमने रख रखे थे, हम वो सारे के सारे इस वक्त ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इन्हें हमें सॉटे करना है, जैसे इसे एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, हम उसमें फ्राइड अनियन ऐड कर देंगे, जो हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है, थोड़ा ही डालेंगे हम इस वक्त, पूरा फ्राइड अनियन नहीं डालेंगे। मैंने आधा डाला और आधा बचा लिया है मैंने, उसे बस थोड़ा सा सॉटे करेंगे घी में, उसे हमें कुक नहीं करना, ऑलरेडी वो फ्राइड है, तो बस मैंने उसे एक बार अच्छे से मिक्स दे दिया। अब हमने सोक राइस, ये 1 कप राइस है, तो मैंने 1 कप राइस यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा घी में, ये देखो। और गैस का फ्लेम इस वक्त मीडियम है, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखा था मैंने, क्योंकि सारी चीजें जल्दी लग जाती है, फिर वो खुशबू नहीं आता और वो मजा नहीं आता है, तो मीडियम फ्लेम पे हमने रख करके सारी चीजों को पकाना है। इस वक्त हमने राइस को अच्छा फ्राई कर लिया, ये देखो दोस्तों राइस हमारा अच्छा फ्राई हो गया। इससे होगा क्या कि इससे राइस खिले खिले बनेंगे, एकदम सेपरेट बनेगा, आपके राइस स्टिकी नहीं होंगे। और ये रेसिपी कुकर में बना रही हूं मैं, तो ये बहुत ही फटाफट बन जाती है। 1 कप राइस में 2 कप पानी जाता है, हमेशा ही याद रखिए, कोई भी राइस हो, बासमती राइस स्पेशली लॉन्ग ग्रेन जो होता है, 1 कप राइस में 2 कप वाटर हम डालेंगे, डबल जाता है। तो मैंने यहाँ पे राइस ऐड कर दी, वाटर ऐड कर दिया, 2 कप मैंने वाटर ऐड किया। अब इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग जितना टेस्ट है उतना नमक ऐड कर देंगे, हमने नमक अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस वक्त पे मैंने नमक ऐड किया है। अब कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे और 1 विसल आने तक इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। 1 विसल आने के बाद इसका खुद से इसका स्टीम जो भी था रिलीज हो गया, उसके बाद मैंने उसे खोला, देखिए हमारे राइस कितने फ्रेश बने हैं, कितना जबरदस्त उसका कलर आया है, और खुशबू तो मैं क्या बताऊं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस वक्त मेरे घर में, बहुत ही अच्छी खुशबू है, और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ये देखिए हमारे कुकर में बनाने के बाद भी हमारे राइस का एक एक दाना बिल्कुल सेपरेट है, आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने ये कुकर में बनाया है। बस जिस तरीके से मैंने बनाया आप वैसे ही फॉलो करें। अब हमने जो
वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा है और अनियन को इस टाइम पे उसे हम गार्निश कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्राइड अनियन थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया। अब चाहे तो कुकर में ही डाल दे फिर मिक्स करके करे, बट मैंने ऊपर से गार्निश किया इस तरीके से। मैंने थोड़ा सा फ्राइड अनियन डाला। अब थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट्स तल के रखे थे वो भी हम इस वक्त ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें अनार के दाने भी ऐड कर सकते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, इसका लुक बहुत ही खूबसूरत बन करके आता है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स तले थे वो मैंने इस वक्त ऐड कर दिया। ये देखने में जितना सुंदर दिख रहा है, खाने में भी दोस्तों इतना टेस्टी होता है, और बिल्कुल डिफरेंट टाइप की राइस है। आपने बहुत टाइप के राइस खाए होंगे लेकिन ये वाली राइस बिल्कुल ही डिफरेंट बनती है। तो आप ये राइस बिल्कुल, अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।